से आए हुए भाई भक्त के लिए यहाँ पर रुकने के लिए भव्य विश्राम गृह का निर्माण किया गया है और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। खजर का दरबार आएगा। श्री स्वामीनारायण भगवान जब भी आते थे तब यहीं पे विश्राम करते थे। रास्ता का दूसरा नाम श्री सारंगपुर धाम। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दादा के दर्शन के लिए आते हैं और दादा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलो चलते हैं हम दादा के दर्शन के लिए। यह मंदिर में सबके कष्ट दूर करने वाले कष्टभंजन नाम से प्रसिद्ध स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1905 में हुई थी। मंदिर को सदगुरु गोपालन स्वामी ने बनवाया था। मंदिर प्रशासन के अनुसार यहाँ पर मूर्ति में हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है। मंदिर की स्थापना करवाते समय सदगुरु गोपालन स्वामी ने अपनी छड़ी को मूर्ति को स्पर्श करवाया था, तभी हनुमान जी महाराज की मूर्ति में जान आ गई थी। प्राचीन काल में सभी लोग शनिदेव के प्रकोप से बहुत परेशान थे, इसलिए भक्तों ने हनुमान जी महाराज से निवारण करने के लिए प्रार्थना की थी। तभी हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को मारने का निर्णय किया था। क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे तो वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी महाराज से बचने के लिए स्त्री का रूप धारण कर लिया। क्योंकि भक्तों का निवारण करना था, इसलिए श्री राम भगवान ने हनुमान जी महाराज को
शनिदेव को मारने का निर्देश दिया था, तभी हनुमान जी महाराज ने शनिदेव का दमन किया है। मान्यता यह है कि यहाँ पर पूजा करने से शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद मिलते हैं। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक है। भोजनालय में हर रोज हजारों श्रद्धालु प्रसाद लेते हैं। 40 करोड़ के खर्च से एक नई विशाल भोजनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 4,000 से भी ज्यादा लोग प्रसाद ले सके ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी। वाकई में यहाँ के मन में अलग ही शांति का अनुभव होता है। हम दादा से प्रार्थना करते हैं कि दादा आप सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही कहीं नई जगह और नए लोग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।